आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आए हैं झारखंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला में जो कि है मुड़मा मेला। एंड यहाँ पर जो भीड़ है ना भैया, वो 100 में नहीं है, हजारों में भीड़ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। एंड भीड़ आप देख सकते हो भैया, ठसाठस भीड़ बनी है। एंड ये जो मेला है ना, ये हर साल लगता है और इसी तरह से इस मेले का उत्साह हर साल बना रहता है। तो चलिए मेले को हम एंजॉय करते हैं। आपने पहले भी देख लिया, मेले में बहुत ज्यादा भीड़ है। तो अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि ये मेला का कारण क्या है, मेला क्यों लगाया जाता है। जोहार जोहार। ये मुड़मा जो शक्ति स्थल है, ये उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति का मिलन स्थल है। अच्छा। इसी उपलक्ष में यहाँ मेला लगाया जाता है। यहाँ हमारा जो साल का वृक्ष जो लगा हुआ है, आप शक्तिकुटा देख रहे हैं, वहाँ साल का वृक्ष लगा हुआ है। अच्छा। इसे हम लोग सरना माँ का प्रतीक मानते हैं। अच्छा। और हम बंगाल से चल के आए, और हमारे जितने भी नेपाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सभी जगह से चल के, और इतने भी श्रद्धालु आए हैं। अच्छा। सभी अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसी तरह हम लोग भी आए हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें, और यहाँ के हमारा जो नेक दस्तूर पूजा पद्धति यही है, आके हम लोग सीखे हुए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन लोग आते हैं, और आने का कुछ ऐसा कोई कारण भी होता है क्या? हाँ, यहाँ तो सभी जनजाति के लोग, संताल, उरांव मुंडा हो, खड़िया, सभी आते हैं। सभी अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, माँ सरना से आशीर्वाद लेते हैं। Thank you.
तो यहाँ पे भैया जो हमारा पूरा दिन है वो कैसे निकल गया पता ही नहीं पड़ा। मतलब खाने के लिए चीज़ें चाहिए, खाने के लिए है, अगर झूला झूलना है तो झूला झूलने के लिए है, और सिर्फ मेला घूमना है तो आप मेला भी घूम सकते हैं। मतलब मेरा तो भाई पूरा दिन एकदम सच से पार हो गया। मैं यहाँ पे आया था शाम को 4 बजे के आसपास और अभी बज रहे हैं रात के 8 बजे, एंड टाइम जो है वो सट से वापस से पार हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वाला जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड वॉइस अगर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो तो उसके लिए सॉरी। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।